बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ रमज़ान स्पेशल इफ्तार के लिए बहुत ही इजी से स्नैक्स की रेसिपी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और ये टेस्ट में बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हम मैक्रोनीस को बॉयल कर लेंगे। तो यहाँ पे उबलते हुए पानी में शामिल करेंगे हम नमक एक चाय का चम्मच, साथ ही थोड़े से ड्रॉप्स डाल देंगे हम ऑयल के। तो तकरीबन मैंने एक चाय का चम्मच तेल डाल दिया है और अब इसमें जाएंगे मैक्रोनीस। तो यहाँ पे छोटे वाले मैक्रोनीस का इस्तेमाल करी हूँ, जो कि हैं एल्बो शेप में, और यह है आधा कप। ये छोटा सा मेरा बाउल है तो मैंने इसमें मेजरिंग कप से आधा कप नाप के ले लिए हैं ये मैक्रोनीस। तो इसको हम डाल देंगे बाउल में और इसको हमने इतना बॉयल करना है कि ये बिल्कुल अच्छी तरीके से गल जाएँ। तो तकरीबन इसको 12 से 15 मिनट के लिए बॉयल करना है, जब तक ये फुली डल नहीं हो जाते। अब तकरीबन 12 से 15 मिनट गुजर चुके हैं, मैक्रोनीज हमारे अच्छी तरीके से गल चुके हैं। चूने की आंच को मैंने बंद कर दिया है, इसको हम ड्रेन कर लेंगे और साइड में कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे पैन को मैंने प्रीहीट कर लिया है, जिसमें हम एक खाने का चम्मच मक्खन डालेंगे और थोड़ा सा तेल डालूँगी मैं इसमें, तकरीबन एक चाय का चम्मच ही। तो ये देखिए मक्खन और तेल थोड़ा सा गर्म हो गया है, इस स्टेज पे हम मैदा डालेंगे एक खाने का चम्मच और इसको हमने बिल्कुल हल्की आँच पर इतना भूनना है कि इसमें खुशबू आने लगे। अभी देखिए मैदा हमारा भुन गया है, प्यारी सी इसमें खुशबू आने लगी है। इस स्टेज पे हम शामिल करेंगे इसके अंदर आधा कप दूध, जो कि फुल फैट क्रीम मिल्क दूध है। आप किसी भी डब्बे वाले दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली हम ये बना रहे हैं वाइट सॉस। तो इसको लगातार चलाते हुए हम मिक्स करते जा रहे हैं और कुक करते जा रहे हैं, ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहें। और फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो रखा है, लो फ्लेम पे ये सारा प्रोसेस करेंगे। तो ये देखें बिल्कुल थिक सी कंसिस्टेंसी में आ चुका है। इस स्टेज पर हम शामिल करेंगे इसमें चिकन स्टॉक। इस रेसिपी के लिए उबली हुई श्रेडेड चिकन का इस्तेमाल करूंगी। तो जिस पानी में मैंने बॉयल की है चिकन, तो ये वही स्टॉक है। मैं यहाँ पे आधा कप का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये डाल दिया है मैंने। तो ये देखें बिल्कुल जब इसमें लम्स नहीं है तभी मैंने इसमें डाला है, और साथ साथ मत डाल दीजिएगा, ये सारा स्टेप कीजिएगा ताकि बिल्कुल स्मूथ सा ये टेक्स्चर आए। अब फ्लेम को मैंने लो से मीडियम कर दिया है, मीडियम फ्लेम पर हम कुक करेंगे। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, साथ ही हम डाल देंगे इसमें स्वीट कॉर्न्स, जो कि कैंस वाले हैं, 2 खाने के चम्मच का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। और अगर हूँ तो आप इसको ज़रूर लिएगा, इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका। और साथ ही कुछ हम ड्राई स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे अब, जिसमें मैंने गार्लिक पाउडर लिया है, जो कि लिया है आधा चाय का चम्मच, थोड़ा सा नमक लिया है हसबे ज़रूरत, कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी ली है, और सफ़ेद मिर्चों का पाउडर तकरीबन आधा चाय का चम्मच। इन सभी ड्राई इंग्रीडियंट्स को मैंने डाल दिया है। अब हम डालेंगे इसमें आधा कप चिकन, जो कि उबली हुई श्रेडेड चिकन है, ये मैंने डाल दी है। और इसमें आपकी मर्ज़ी है, इसको स्किप भी करना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं, बगैर चिकन की भी आप इसको बना सकते हैं सिर्फ वेजिटेबल्स के साथ। इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। अब इस सॉस की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं बिल्कुल थिक सी हो गई है। इस स्टेज पे हम शामिल करेंगे इसमें कटी हुई शिमला मिर्च, जो कि मैं डालूंगी तकरीबन 1/4 कप, और थोड़ी सी मैंने हरी प्याज ली है, हरी प्याज का हरा वाला पार्ट लिया है, ये मैंने डाल दिया है। अब इसमें साथ ही हम शामिल कर देंगे मैक्रोनीज उबली हुई, तो ये थोड़ी सी जब ठंडी हो गई हैं तब हम इसमें डाल रहे हैं। और डाल के हमने इसको मीडियम हाई फ्लेम पर इतना कुक करना है कि ये बिल्कुल एक डो सी फॉर्म में आ जाए। अब ये वाइट सॉस मैक्रोनीस के साथ बिल्कुल ड्राई हो चुकी है और ये है इसका टेक्सचर। इसको कम्प्लीटली हम ठंडा कर लेंगे रूम टेम्परेचर पे, और इसको मैंने बोल में निकाल रही है यहाँ पे। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो ये और थिक हो जाएगा, तो इसको हम थोड़ा सा मज़ीद और मैश करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है मैशर, मैशर की मदद से इसको थोड़ा सा मैश कर लेंगे हम। तो मैक्रोनीस को मैंने मैश कर लिया है अच्छी तरीके से। अब इस स्टेज पे हम शामिल करेंगे इसके अंदर कॉर्नफ्लोर, जो कि मैं डाल रही हूँ तकरीबन 3 खाने के चम्मच भर के। तो ये मैं कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ ताकि इसमें बहुत अच्छी सी बाइंडिंग हो जाए, ये टूटे नहीं बिल्कुल भी जब हम इसको फ्राई करें। अब इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च, जो कि मैं डाल रही हूँ तकरीबन आधा चाय का चम्मच, और फ्रेश ही कूट के डालिएगा, जिससे बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर आएगा। अब तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इस मिक्सचर को मिक्स करने के बाद अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा सा पतला हो रहा है, हैंडल नहीं हो पा रहा और ये काफ़ी स्टिकी हो रहा है, तो आपने इसको सिर्फ और सिर्फ फ्रिज में रखना है, थोड़ा सा सेट हो जाने देना है, और इसको कम्प्लीटली आपने ठंडा ज़रूर करना है, तब आपने ये
कॉर्नफ्लोर ऐड करना है इसमें। तो ये मिक्सर देखें बिल्कुल रेडी हो गया है, हाथों पे हम लगा लेंगे तेल। अब इस स्नैक्स को आप जैसे शेप देना चाहें दे सकते हैं, लाइक कटलेट्स का शेप देना चाहें, बॉल्स बनाना चाहें, या थोड़ा सा सिलेंडर शेप देना चाहें, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो यहाँ पर तकरीबन मैं एक खाने का चम्मच के करीब लूँगी इस मिक्सचर को, और ये हमने उठा लिया और बस इसको इस तरह से हम गोल घुमा देंगे और ये देखें बॉल बन गई और काफ़ी जल्दी से ना ये शेप में आ जाते हैं। तो इसी तरह से हम बाकी की तमाम बॉल्स को भी बना लेंगे। ये देखें मैंने सारी बॉल्स बना के तैयार कर ली हैं, इसको 1 घंटे के लिए मैं फ्रिज में रखूँगी, फिर मैं इसका आगे का स्टेप करूँगी। अब यहाँ पे इसको कोटिंग करने के लिए मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं और अंडा लिया है, तो 1 अदद अंडा लिया है जिसको मैंने अच्छी तरीके से बीट कर लिया था। और अब हम एक बोल को उठाएंगे और अंडे के साथ हम कोट कर लेंगे। और ये देखें जब फ्रिज में इसको थोड़ा सा मैंने रख दिया है तो ये बिल्कुल ऐसी हो गई हैं, सेट हो जाएंगी, तो इससे ये होगा कि बिल्कुल ये टूटेंगी नहीं जब हम इसको फ्राई करेंगे। तो इसको ब्रेड क्रम्स के साथ हम कोट कर लेंगे और इसी तरह से बाकी की तमाम बोल्स को भी बना के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी सारी बॉल्स बनके तैयार हैं, इसको मैंने अंडे और ब्रेड क्रम्स के साथ कोट कर लिया है। अब आ जाते हैं फ्राइंग की तरफ। तो यहाँ पे प्रीहीटेड है हमारा ऑयल जिसमें हम डालेंगे इन बॉल्स को, और थोड़ी सी मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है ताकि ये बिल्कुल जले नहीं, अंदर से भी ये सिक जाएँ और बाहर से भी थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए। तो इस पैन में जितनी भी ये बॉल्स आई हैं मैंने इसमें डाल दी हैं और इसको हम फ्राई कर लेंगे मीडियम लो फ्लेम पे जब तक इसमें स्लाइटली गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता। तो लीजिए हमारे बेहतरीन से मैक्रोनीज स्नैक्स बनके तैयार हैं, बहुत ही मज़ेदार बन जाते हैं और बच्चों के ये बहुत फेवरेट रहते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं बच्चों को ये। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और इसका फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा, और इस रेसिपी को लाइक शेयर और मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। और चैनल पे मेरे नए आए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो चैनल को एक मरतबा ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये देखें बेहतरीन से हमारे मैक्रोनीज बोल्स बनके तैयार हैं, ट्राई कीजिए, बनाइए और इसको इन्जॉय कीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।